नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल केसीपी जेट क्लासेस में। मैं पवन चौधरी। जैसा कि हमने आपकी एस ब्लॉक की फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो सारी कंप्लीट कर ली, उसके बाद में जो आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर जो एल्कली मेटल और एल्कली अर्थ मेटल हैं, उनकी जो अर्थ क्रस्ट के अंदर जो ओर्स हैं, वो जिनकी कंपाउंड्स हैं, वो नेचर के अंदर कौन कौन से हैं, जो उनकी उपलब्धता या प्राप्ति होती है हो चुकी है, उनकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो उनको एक एक को लिखेंगे और आप देखते जाना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको ये याद भी रखने हैं फॉर्मूले हैं कुछ, एक सीधी सीधी आपको याद रखने हैं कि इनकी अबंडेंस किस किस की है, अबंडेंस किस किस की है, अबंडेंस या इसी को उपलब्धता या प्राप्ति, उपलब्धता या प्राप्ति। ठीक है, देखो ये तो इधर आपके एल्कली मेटल की बात करते हैं और इधर हम बात करते हैं एल्कली अर्थ मेटल की। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे पहले आपका जैसे केसीएल होता है, इसको हम बोलते हैं स्लाइम, स्लाइम केसीएल को स्लाइम। जैसे आपका एनएसीएल होता है, इसको बोलते हैं हम रॉक साल्ट, रॉक साल्ट या टेबल साल्ट, रॉक साल्ट या टेबल साल्ट। ठीक है, जो आपका बोरस होता है Na2B4O7.10H2O, ये होता है आपका बोरेक्स, बोरेक्स। ठीक है, ऐसे आपका Na2SO4.10H2O, ये होता है आपका ग्लोबर साल्ट, या ऐसे को ऐसे भी तो ग्लोबर लवर ना, ग्लोबर लवर। ठीक है, और ऐसे आपका Na2SO4 होता है, इसको बोलते हैं हम सोडियम सल्फेट, सीधा सा सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। ऐसे आपका NaNO3 होता है, जिसको हम बोलते हैं चिली साल्टपीटर, चलो इसको ऐसे लिख देता हूं NaNO3 चिली साल्टपीटर, चिली साल्टपीटर। ऐसे यहां पे KNO3 होता है पोटेशियम नाइट्रेट, जिसको बोलते हैं हम इंडियन साल्टपीटर, इंडियन साल्टपीटर। ठीक है, ऐसे आपका Na2CO3.NaHCO3.2H2O, ये होता है आपका ट्रोना, इसको बोलते हैं ट्रोना। ऐसे आपका जो कार्बेनाइट है KCl.MgCl2.6H2O, ये होता है आपका कार्नेलाइट। ठीक है, कार्नेलाइट। ऐसे आपका K2O.Al2O3.6SiO2, ये होता है आपका फेल्डस्पार, फेल्डस्पार। तो ये कुछ एक जो फॉर्मूले हैं, ये आपके एस ब्लॉक के जो एल्कली मेटल हैं, उनके फॉर्मूले हैं जो ये पाए जाते हैं, ये अर्थ क्रस्ट के अंदर सारे के सारे पाए जाते हैं। और रूबिडियम और सीजियम प्रकृति में कम मात्रा में मिलते हैं आपके, ये रूबिडियम और सीजियम के जो कंपाउंड है वो बहुत ही कम मिलते हैं, रूबिडियम सीजियम प्रकृति में कम, प्रकृति में कम उपलब्धता होती है, इनके कंपाउंड से वो नहीं पाए जाते। ठीक है, ये तो किसके हुए आपके एल्कली मेटल के। ठीक है, ध्यान रखना कि केसीएल को स्लाइम, बोरेक्स का फॉर्मूला ध्यान रखना Na2B4O7.10H2O, जैसे यहाँ पे चिली साल्टपीटर, इंडियन साल्टपीटर, NaNO3 को चिली साल्टपीटर और KNO3 को सोरा, पोटेशियम नाइट्रेट सोरा होता है इसको इंडियन साल्टपीटर, ट्रोना होता है आपका Na2CO3.NaHCO3.2H2O, ये आपका ट्रोना होता है। ठीक है, और ऐसे कार्नेलाइट, कार्नेलाइट है आपका क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु दोनों से मिलकर के बना होता है KCl.MgCl2.6H2O। ऐसे यहाँ पर हम बात करते हैं एल्कली अर्थ मेटल की, तो एल्कली अर्थ मेटल के अंदर सबसे पहला जो कंपाउंड है वो इसके अंदर Be2SiO4, जिसको हम बोलते हैं फिनासाइट, फिनासाइट। ठीक है, ऐसे यहाँ पे जो बात होती है MgCO3, जिसको बोलते हैं मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट। एक होता है आपका MgCO3.CaCO3, जिसको हम बोलते हैं डोलोमाइट, डोलोमाइट, डोलोमाइट। जैसे आपका CaCO3 होता है, इसको बोलते हैं हम लाइमस्टोन,
लाइमस्टोन। एस सी यहाँ पे आपका होता है, जैसे हम बात करें सी ए फाइव पी ओ फोर, पी ओ फोर का हॉलजाइस और ये एफ, ठीक है, इसको बोलते हैं एपेटाइट, एपेटाइट। एस सी यहाँ पे आपका थ्री सी ए थ्री पी ओ फोर का हॉलजाइस और सी ए एफ टू, ये होता है आपका फ्लोर एपेटाइट, फ्लोर एपेटाइट। ये आपके जो फॉर्मूले हैं, ये आपके एल्कली अर्थ मेटल के अंदर आपको ध्यान रखना है सीधा सीधा सा कि फ्लोर एपेटाइट क्या होगा, एपेटाइट क्या होता है, यहाँ पे मैं लाइम स्टोन का फॉर्मूला, डोलोमाइट क्या होता है। वैसे तो अपन जब मेटलर्जी पढ़ेंगे तो इसके अंदर आपको बहुत सारे और से वो याद रखने, सीधा सा जो अयस्क है उनका फॉर्मूला पूछा जाता है कि इस अयस्क का क्या फॉर्मूला होगा, आपके आयरन का अयस्क है कॉपर पायराइट है CuFeH2O, जिंक ब्रांड है ZnS, गैलेना PbS, ये क्या सीधा सीधा आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है। और फिर हम यहाँ पर हम बात करेंगे कि स्ट्रॉन्शियम और बैरियम, स्ट्रॉन्शियम और बैरियम की प्रकृति में उपलब्धता बहुत कम होती है, स्ट्रॉन्शियम बैरियम की प्रकृति में उपलब्धता बहुत ही कम होती है, उपलब्धता बहुत कम होती है, इनके कंपाउंड है वो बहुत ही कम पाए जाते हैं। तो आपके ये नेचर के अंदर अर्थ क्रस्ट के अंदर एल्कली मेटल और एल्कली अर्थ मेटल के जो कंपाउंड है ये आपके पाए जाते हैं, ठीक है। ऐसे आपका जिप्सम देख लो, जिप्सम भी मिलता है CaSO4.2H2O, ये तो होता है आपका जिप्सम, ठीक है। ये फॉर्मूले हैं आपके जो आपको ध्यान रखने सीधे से। तो और CaSO4.5H2O क्या हो जाता है, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4.5H2O जब उसके अंदर फॉर्मूले के अंदर होता है तो उसको बोलते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये कंपाउंड्स हैं, ये किसके हैं, एल्कली अर्थ मेटल के हैं, ये अर्थ क्रस्ट के अंदर पाए जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आज का जो हमारा ये जो टॉपिक है वो यहीं पे, फिर अपन अगली जो जो प्रॉपर्टीज है वो केमिकल प्रॉपर्टी, एक एक केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से पढ़ते जाएंगे, और टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कीजिए जिससे आपको बेनिफिट हो सके। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और आपका स्वागत है हमारे केशवानंद कैरियर पॉइंट के अंदर। धन्यवाद।